हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हमारे टकराव की बातें तो हो रही हैं, उनकी बातें नहीं होती जो टकरा रहे हैं। आजाद अदलिया की हिमायत करता हूं, ऐसी अदलिया की नहीं जो आमिरों को हार पहनाए। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत आमद पर जारहाना अंदाज, कहा कोशिश है रेफरेंसेस की समात इलेक्शन से पहले खत्म हो। शरीफ खानदान में कोई इख्तिलाफ नहीं, ये सिर्फ लोगों की ख्वाहिशात। मुश्किल में फंसे नवाज शरीफ आसिफ जरदारी को मनाने में नाकाम। साबिक वजीर आजम बोले, आसिफ जरदारी किसी को खुश करने के लिए मुझे गालियां दे रहे हैं। माजी में NRO भी परवेज मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान था। तमाम जमहूरी पार्टियों को एक उसूल पर इकट्ठा होने का मशवरा भी दिया। वो दिन याद रखें जब जरदारी के साथ मुलाकात से इनकार किया था। मियां साहब बताएं किसको खुश करने के लिए ऐसा किया था। खुर्शीद शाह का मियां साहब को जवाब, कहा नवाज शरीफ ये मकाफाती अमल है, एक बार जमहूरियत बचाने के लिए आपको बचाया, अब किसी सूरत नहीं बचाएंगे। मियां साहब गिरने लगते हैं तो लहजा नर्म हो जाता है, हालात बेहतर होते ही मियां साहब का लहजा बदल जाता है। एतजाज एहसन की आज न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा नहीं लगता नवाज शरीफ और जरदारी में राबता होगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर एक बार फिर एहतसाब अदालत में पेश। नवाज शरीफ ने अलजीजिया स्टील मिल्स फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस पर जमानती मचल के जमा करा दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रेफरेंसेस यकजा करने के हुक्मनामे या तफसीली फैसले तक समात मुलतवी की जाए, ख्वाजा हारिस की इस्तदा। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात 7 नवम्बर तक मुलतवी कर दी। एक नहीं दो नहीं पूरी 26 गाड़ियां नवाज शरीफ के शाहाना काफले के हमरा एहतसाब अदालत आमद और वापसी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर लीगी रहनुमाओं की नारेबाजी। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की जेरे सदारत नून लीग का मुशावती इजलास। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। नवाज शरीफ इजलास के बाद लाहौर चले गए। लेकिन ये क्या वक्त लेने के लिए आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि 2018 इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला शेर दाड़ेगा भी और वाजिद ज़िया के 10 वॉल्यूम को फाड़ेगा भी। 2018 के इंतखाबात में शेर धाड़ेगा। इंतखाबात में शेर पानामा JIT के वॉल्यूम 10 भी फाड़ेगा। कैप्टन सफदर रिटायर्ड का एहतसाब अदालत आमद पर जारहाना अंदाज। अदालत के बाहर लीगी सपोर्टर्स की सेल्फियां और नारेबाजी। कैप्टन सफदर परेशान। मुझे ये इल्म है कि नवाज शरीफ के साथ भी ये पहली बार नहीं हुआ और जो भी इस मुल्क को मजबूत करने की कोशिश करेगा, आइन की बालादस्ती की बात करेगा, उसको उसकी कीमत अदा कर रही है। मुझे इतना इल्म, नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ। जो भी आइन की बालादस्ती के लिए बात करेगा उसका भी यही हाल होगा। ख्वाजा साद रफी की आज न्यूज से गुफ्तगू। मरियम औरंगजेब बोली, नवाज शरीफ मुल्क का असासा है, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। नवाज शरीफ को इससे ज्यादा सिक्योरिटी देनी चाहिए। माइजा हमीद ने कहा कि नवाज शरीफ इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रायल शुरू होने के बाद सबूत ढूंढे जा रहे हैं।
इमरान खान के जलसे तीसरे धरने की तैयारी लगते हैं। धरना 3 जमहूरी तसलसल को रोकने का जरिया बन सकता है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की तनकीद, कहा पीपल्स पार्टी मर्दमशुमारी के तहत नशस्तों की तकसीम के माहदे से फिर गई। क्या पीपल्स पार्टी 2018 के इंतखाबात में ताखीर जाती है? कि नैब की जो नून लीग के साथ मोहब्बत है और जो एक आर्टिफिशियल एहतसाब मियां नवाज शरीफ का हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नैब टीम की मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत ढकी छुपी नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ अलग अलग रवैया, नैब टीम का दोहरा मयार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की तनकीद, लतीफ खोसा बोले शाहिद खाकान अब्बासी को आइन के अंदर बतौर वजीर आजम तहलील किए जाने का इम्कान है, निगरा हुकूमत बनने की पेशगोई भी कर दी। पंजाब में धुंध और स्मोग हादसात का सबब बनने लगे।